जिले में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। महिलाएं व छात्राएं जब भी घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें हमेशा से यह पीड़ा सताती रहती है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो और उसके अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहना पड़ता है। वहीं परिजनों को भी अपनी बहू बेटी घर से बाहर निकलने पर चिंता में घर में रहते हैं। ऐसे में स्कूल व कॉलेजों में ही महिलाओं व बेटियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वे अपनी आत्मरक्षा कर सकें। स्पेशल ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है जो अकेली छात्रा को देखकर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हैं। यहाँ तक कि कई बार देखा जाता है कि उनका शारीरिक शोषण करने की भी कोशिश करते हैं, जिससे छात्राएं डर जाती हैं और ऐसी घटनाओं का शिकार होती हैं। लेकिन अब उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि वो इस प्रकार की घटनाओं से ना डरें और डटकर ऐसे लोगों का मुकाबला करें जो उनके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी करती हैं या उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक शोषण करने के लिए परेशान करते हैं। महिलाओं और बेटियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जींद के महिला कॉलेज में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से एक कमांडो को बुलाया गया है जो छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। आसानी से निकल सकते हैं, इसके लिए बड़ी लंबी ट्रेनिंग लेकर रहती है। यस, तो इस ग्रिप में बहुत ही आसानी के साथ अंगूठा ऊपर होता है, तो आप यहां से क्या करेंगे, अगर इसे दबाया, दबाओ, ये दबाया हुआ है, प्रेशर अंदर है, तो क्या करेंगे, अंगूठे को सबसे पहले पकड़ेंगे, अंगूठा बैंड करेंगे, हाथ पीछे मुड़ेगा और आप मोड़ते हुए हाथ को बैंड करते हुए रखेंगे और एल्बो का अटैक जो है पीछे की तरफ करेंगे। इस तरह की ग्रिप में मैं लगभग 5-6 टेक्निक बता चुका हूँ। साइकिलिंग कर रहे हैं, आगे सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको कोई चीज ऐसी लगती है आपके ऊपर डाला जाता है, बैठना है तुरंत। वो क्या करते हैं, देखो अब ये है, इसके ऊपर आके ये मेरे हाथ में आया तभी तो पकड़ूंगा मैं इसको। अब सपोज इसने मेरे ऊपर डाला और मैं नीचे बैठ गया, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि वो स्पीड से आ रहे हैं, या तो वो गिरेंगे आगे की ओर, और नहीं तो आपने क्या करना है, पीछे आओ भाई, जैसे झुक गया मेरे ऊपर, ठीक है, साइड में इन्होंने पकड़ने की कोशिश किया, मैं नीचे आया, ग्रोइन, ठीक है, तुरंत अटैक मारना है और साइड से क्रॉल होके पीछे की ओर आना है, ठीक है ना। पहले पोजीशन लेने के बाद जब कभी इस प्रकार से हमला किया जाए तो आप अपनी सुरक्षा अपने पैर का इस्तेमाल करते। सर ने हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग थी और हमें मतलब कहीं भी अगर हम अकेले जा रहे हैं तो हमारी आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं वो बता। इसमें 24 से 25 हमें मतलब तरह के अलग अलग ट्रेनिंग दी है, हम अलग अलग जो का मतलब अलग अलग प्रयोग हम वो बताए हैं और कैसे हम मतलब अगर कोई बेहोश करता है तो वो कैसे कर सकते हैं, आगे से अटैक कोई करता है या पीछे से, मतलब अलग अलग, और जब भी मतलब और ना जो ये हम पुलिस का भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं अगर मतलब उसको अपने अंडर में करके कोई भी जो प्रयोग करके अपने अंडर में करके, और 112 जो नंबर है वो चेंज हो गया, मतलब पुलिस का पहले 100 था और अब 112 है, सर ने भी बताया है, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हम कोई हमारे साथ दुर्घटना होती है, कोई भी ऐसी अनहोनी होती है तो उसे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, या फिर जो समाज में बुराई है उसे हम कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, ये सब हमें यहाँ जानने को मिला। क्या क्या सीखा आपने, किस तरह से, जैसे हमने अलग अलग सिचुएशन से लड़ने की ये सीखा है, जैसे कोई पीछे से आकर पकड़ता है या फिर कोई हाथ पकड़ता है या फिर कोई हम सो रहे हो या जब प्रहार करने की कोशिश करता है तो उसे हम बच सकते। तो इससे इससे हमें बहुत कुछ, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे कुछ भी अनहोनी होने से लिए, जैसे हम सारे हैं यहाँ पे बीए ऑनर्स के या और सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम हर खुद भी सीख रहे हैं और अपनी बहनों को भी आगे हम सिखाएंगे। अनुष, ये कई दिन का प्रशिक्षण शिविर यहाँ चल रहा था
और दिल्ली से हमारे पास यहाँ डॉक्टर प्रमोद हैं, ये बच्चों को ये टेक्निक सिखाने के लिए आए थे। और मैं समझती हूँ कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और भारत हरियाणा सरकार का ये प्राथमिकता है कि महिला प्रकोष्ठ में और NSS में इस तरह की ट्रेनिंग्स बच्चों को दी जाएं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बच्चियाँ गाँव से पढ़ने आती हैं, अब आते जाते बहुत बार ऐसा होता है कि बसेस लेट हो जाती हैं बच्चों की, सुनसान रास्तों पे जाना भी पड़ता है, तो इस तरह की चीज़ें आती हों तो इन्हें इनके मन में भय नहीं रहता कि हमें असामाजिक तत्वों का डर है या हमें कोई इस तरह से परेशान कर देगा। और कुछ लड़कियां तो इस तरह की टेक्निक्स का प्रयोग करके अपना बचाव भी करती हैं, जैसा कई बच्चों ने अपने अनुभव बताए हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं वाकई धन्यवाद करना चाहूँगी प्रमोद जी का कि इन्होंने बच्चों को इतने अच्छे से बताया कि आप जितने भी बच्चों की यहाँ भीड़ देख रहे हैं, ये नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती बच्चों को पकड़ के यहाँ बिठाना पड़ा कि आप आ जाओ। जैसे ही बच्चों का फ्री पीरियड होता है वो यहाँ पर टेक्निक सीखने के लिए आ जाती हैं, तो इसी से हमें पता लगता है कि कितना सफल आयोजन रहा है इस कार्यक्रम का। देखिए, पुलिस प्रशासन और परिवार के जन जो हैं वो हर समय हर परिस्थिति में किसी के साथ उपलब्ध नहीं हो सकते। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब छात्राओं को अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है, या दूर दराज के क्षेत्रों से वो शिक्षा प्राप्ति के लिए कॉलेजों में आते हैं, तो उस दौरान उन पर अगर असामाजिक तत्व हमला कर देते हैं तो उनसे बचाव के गुर हमने यहाँ इनको सिखाए थे। इस ट्रेनिंग का मेन मकसद अपराध को कम करना है और आधी आबादी को सुरक्षा प्रदान करना है। कौन कौन से गुर सिखाए हैं, जैसे आपने अभी बताया कोई अगर पीछे से रुमाल लगाता है किसी पर लगे? हमने प्रयास किया है कि हर तरह की परिस्थिति से बचने के लिए हम इसमें हर टेक्निक को सिखाएं। हमने इसमें वेपन से किस प्रकार से बचना है, अगर किडनैपिंग होती है किस प्रकार से बचना है, साइबर क्राइम से किस प्रकार से अवेयर रहना है, और यदि बदनीति के साथ आपके ऊपर हमला किया जाता है तो आप किस प्रकार से अपनी और अपने परिवारजनों की सुरक्षा कर सकते हैं, उन सभी साधनों का प्रयोग हमने यहाँ पर सिखाया है। जैसे आपने अभी बताया कि भाई जैसे आपको भी पता है अभी साइबर क्राइम है जो काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस पर कैसे? मैं समझता हूं कि इसके लिए विद्यालय प्रशासन के द्वारा और जो हमारा जिला प्रशासन है उसको एक सेमिनार वगैरह आयोजन करना चाहिए। इसमें पुलिस प्रशासन की साइबर सेल की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि छात्राओं को किस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, किस तरह से साइबर क्राइम होता है, उसकी जानकारी दी जा सके। हमने करीबन यहाँ पे 25 से 30 टेक्निक सिखाई हैं और छात्राओं ने बड़े ही अच्छे ढंग से उनका उपयोग किया है, और मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग इनके लिए यूजफुल रहेगी।